हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी चैनल पे आप लोग अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, मेरी न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए, मेरी यूनिक्स रेसिपियों को देखने के लिए। और चलिए आज फिर से अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरी रेसिपी है मेयोनीज, जो मोमोज के साथ खाने के लिए मेयोनीज आती है वो, और मोमोज वाली चटनी, लाल चटनी जो बनती है वो चटनी बना रहे हैं, और मेयोनीज जो घर के ही सामान से बहुत आसानी से मैं आज आपको बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। उसके लिए हमें चाहिए एक उबला हुआ आलू, थोड़ा सा दूध, एक मिक्सर का जार लेंगे। ये देखिए, मैं आलू को इसमें छोटे छोटे बॉयल आलू को इसमें मिक्सर के जार में डाल देती हूँ, और इसमें मैं नॉर्मल ठंडा दूध ही, जैसे अपने घर का होता है, इसमें 2-3 चम्मच, अभी पूरा नहीं डाली हुई हूँ। ये देखिए इतना दूध डाल दूंगी मैं, और इसमें हम डालेंगे अब आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक। बस अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्सी का ढक्कन लगा के इसको पीस लेंगे, और बस ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। अभी ये ऐसा हमारा हो गया है। ये अभी भी इसमें क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो डालना होगा, और मैं घर के ही सामान से बताना चाहती हूँ। क्रीम, फ्रेश क्रीम भी आप डाल सकते हैं, मगर फ्रेश क्रीम हर किसी के पास तो नहीं होगी, तो इस वजह से हम इसका एक सोल्यूशन ढूंढे हैं। ये इतना दूध जो है ना, ये दूध नहीं लगेगा, ये दूध मैं इसको अलग कर दे रही हूँ। मैंने जितना दूध लिया था वो बचा हुआ थोड़ा, ये देखिए इसके लिए मैंने दूध की मलाई, फ्रेश मलाई जो होती है अपने घर पे रोजाना दूध की, वो ले ली है, और इसको पीसने के बाद ही इसमें अभी ऐड करेंगे, जिससे आपको दिखाया मैंने कि पहले ये कैसा था, अब देखिएगा इसका कैसा क्रीमी टेक्सचर। बिल्कुल मेयोनीज एकदम हमारी बन के रेडी हो जाएगी, जो मार्केट में मिलती है सेम मेयोनीज। आप इसको 2 से 3 दिन तक यूज कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये घर के ही सामान से बनी हुई है। फ्रिज में स्टोर करके 2 से 3 दिन रख सकते हैं, क्योंकि ये बिना एग, बिना कोई प्रिजर्वेटिव ये बन रहा है, इस वजह से ज़्यादा दिन हम इसे नहीं रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको मलाई डाल के, घर की वही मलाई से मैं मिक्सी में फिर से एक बार इसको मिक्सी घुमा दिया है। ये देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर कितना बढ़िया, मेयोनीज बन के रेडी हुई है हमारी। इसको हम मोमोज के साथ एंजॉय कर सकते हैं ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा जो हमें नुकसान करेगा, बिल्कुल घर की चीज़ों से बना हुआ है, कितना अच्छा। ये देखिए हम इसको एक बाउल में छोटी सी रख दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। इस पे हम जाने के लिए एक धनिया पत्ती का टुकड़ा रख देंगे। ये देखिए हमारी मेयोनीज एकदम मार्केट स्टाइल बिल्कुल बनके रेडी है, और अब हम बनाते हैं लाल चटनी मोमोज के साथ खाने वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर देख लीजिए आप एक बार, ये देखिए बिल्कुल क्रीम के जैसे स्मूथ होके गिर रहा है, ये देखिए। ये देखिए मैंने लाल चटनी के लिए रेड रेड टमाटरों को पहले बॉईल करके रख लिया था, अब ये ठंडे हो चुके हैं, तो हम इनके छिलके उतार के बस एक मिक्सी के जार पे ये ऐसे डाल देंगे, इनके छिलके पूरे हमें उतार लेने हैं। ये देखिए मैंने छिलके उतार दिए हैं, और ये लाल मिर्च भी मैंने साथ में ही उबाल लिया था, वो भी मैं डाल दे रही हूँ। इसके लिए हमें खूब सारी लहसुन लगेगी, क्योंकि जो मार्केट में लाल चटनी मिलती है वो बहुत सारी लहसुन डली होती है उसमें। ये देखिए मैं इसमें खूब सारी लहसुन डाल दे रही हूँ,
अब मैं इसमें काश्मीरी मिर्च है ये मेरे पास, वो डाल दे रही हूँ कलर के लिए। मार्केट में तो कलर वगैरह डाल देते हैं मगर वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना, बस इसी वजह से मैं सिर्फ काश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ जिससे कलर अच्छा आ जाए। और एक टमाटर लिया था उससे भी कलर में हेल्प होगी। देखिए मैंने इसमें लहसुन और जो टमाटर उबालते समय जो पानी था ना वही पानी इसमें डाल दिया था, उबला हुआ पानी था जो, बस अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ और मिर्च मैंने डाल दी है। अगर आप मिर्च ज़्यादा तेज खाना पसंद करते हैं तो और मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि काश्मीरी मिर्च में तीखापन तो होता नहीं है। उसके लिए मैंने लाल मिर्च पहले डाल दी थी, दो खड़ी वाली। इसका मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ और इसे ग्राइंड कर देती हूँ। ये देखिए मैंने मिक्सी में इसे पीस लिया, देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसका काश्मीरी मिर्च के कारण। ये देखिए अब हम एक गैस पे पैन रख लिए हैं, आप पैन रख लीजिए और इसमें बस तेल डाल दीजिए। ऑयल कोई सा भी आप ऑयल यूज कर सकते हैं मगर मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। रिफाइंड ऑयल ही यूज कीजिएगा क्योंकि सरसों के तेल पे क्या है कि उसमें मतलब उसकी खुशबू आ जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से आप रिफाइंड तेल ही यूज कीजिए। और बस अब हम इसमें कोई भी ऐसे जीरे वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा कि ये बिल्कुल प्लेन चटनी होती है, प्लेन सॉस होता है, तो ये एकदम प्लेन बनेगा। अब ये तेल जब ये हमारा गर्म हो चुका है तो इससे मैं डायरेक्ट ये अपनी ये जो मैंने बनाई थी ये डाल दे रही है। सॉरी चटनी को छानना था मुझे, मैंने छाना नहीं ऐसे ही डाल दिया, कोई बात नहीं हम इसको बनने के बाद छान लेंगे, कोई बात नहीं है। मगर ये है कि अभी इसमें थोड़ा सा छानने से क्या हो जाता ना कि ये पूरा अच्छे से ये जिसमें थोड़ा बहुत लहसुन के रह गए हैं वो लम्स हट जाते हैं, इस वजह से छानना जरूरी था। ये देखिए मैं जार वगैरह से अच्छे से वो चटनी निकाल दे रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगी हुई थी ना, तो वेस्ट क्यों करना। इसको मैं निकाल के बस ये पूरी चटनी को ऑयल में मिक्स कर दी हूँ और अब हम इसमें डालेंगे एक ऐसी चीज, मेडिकल चीज जिससे इसमें जान आ जाएगी और इसी चीज से इसके सारे लोग दीवाने होते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, इससे सारे लोग दीवाने होते हैं इस चीज के। ये देखिए मैगी मसाला जो एक पैकेट आता है ना, बस वो मैगी मसाला डालने से इसका स्वाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे ये सभी लोगों को बहुत पसंद आती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। एकदम इसका टेस्ट मतलब बिल्कुल मार्केट स्टाइल हो जाता है, मार्केट में ही ऐसे ही कुछ बनाता है जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें हमें कुछ भी नहीं, बस मैगी मसाला डाल दी हूँ और बस थोड़ा सा चीनी डालूंगी जिससे हल्का सा इसमें मीठापन आ जाए। हल्की सी चीनी डालना है, ज़्यादा भी नहीं। ये देखिए बस मैं चीनी डाल दी हूँ और चीनी डाल के इसको थोड़ा देर पकने देंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको छानना मैं भूल गई थी, इसको अभी छान भी लेंगे थोड़ा सा। जब छान लेंगे तो ये बिल्कुल एकदम स्मूथ बहुत अच्छी लाल चटनी मार्केट स्टाइल बन के रेडी हो जाएगी। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, नमक हमने पीसते ही समय डाल दिया था, चीनी हमने अभी डाल दी और इसको पकने दे रहे हैं चीनी के साथ, और मैगी मसाला और कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएंगे। मार्केट वाले तो इसमें कई जैसे विनेगर वगैरह डालते हैं, हम विनेगर नहीं डाल रहे हैं, ना ही हम विनेगर डाल रहे हैं, ना ही हम GMS पाउडर डाल रहे हैं। GMS पाउडर भी इसमें डलता है मगर हर किसी के पास हर चीज़ें नहीं होती, इसी वजह से मैं घर के ही सामान से कम चीज़ों में अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ कि जो हर किसी के पास हर सामान मिल जाए, इस वजह से मैंने इसमें कई चीज़ें नहीं डाली हैं। फिर भी इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा, सेम जैसा आप मार्केट में खाते हैं ना उससे भी बढ़िया ही लगेगा। आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको मेरा चैनल मेरी वीडियो थोड़े भी अच्छी लगती हो उसको लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको आसान तरीके से हर चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ, जो आपके पास है सामान उन्हीं चीज़ों से। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देते हैं और इसको छान के मैं आपको दिखाती हूँ छानने के बाद।
ये देखिए हमारी रेड चटनी एकदम रेड चटनी बनके रेडी है। इसको हम थोड़ा सा इसको देखिए इसमें धनिया पत्ती रख दे रहे हैं तो ये और भी खूबसूरत लगने लगेगी रेड के ऊपर ग्रीन। ये चटनी आप बनाइए फ्रेंड्स, इसको मोमोज के साथ एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए फिर आप बताइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है ये एकदम मार्केट जैसी, मार्केट से भी अच्छी। जो मैंने इसको गलती की थी, एक मिस्टेक हुई थी मेरे से, जो मैंने इसको पैन में डालने के पहले छाना नहीं था, मगर आप इसको पैन में डालने के पहले छानिएगा क्योंकि उस टाइम ये पतली रहेगी और बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी, तो अच्छे से छानने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, इस वजह से आप लोगों को बोल रही हूँ। गलतियों से ही इंसान को सीख आती है। और ये देखिए हमारी, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चटनियाँ बनके रेडी हैं एकदम, दोनों मोमोज की और मेयोनीज की चटनी बनके दोनों रेडी है मोमोज के लिए। और नेक्स्ट वीडियो पे फ्रेंड्स मैं आपको वेज मोमोज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मेरी नई रेसिपियों को ऐसे ही आसान तरीके से देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।